दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में बुकमार्क कैसे लगाया जाता है। दोस्तों गूगल यूज करते समय आपने कई बार बुकमार्क्स लगाया होगा किसी भी पेज या फिर किसी भी वेबसाइट को सेव करने के लिए। तो दोस्तों एक्सेल में भी कुछ ऐसा ही है। एक्सेल में एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के ऊपर इमीडिएटली जंप करने के लिए आप बुकमार्क लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये काम कैसे किया जाता है आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो दोस्तों बुकमार्क समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक वर्कबुक ली है जिसमें अलग अलग 13 एक्सेल शीट है, जहाँ पर सेल्स डेटा दिया गया हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी मंथ और एंडिंग विथ दिसंबर मंथ। तो ये हो गए टोटल 12 एक्सेल शीट। और यहाँ पर समरी नाम की एक और एक्सेल शीट है जहाँ पर टोटल सेल्स का डेटा दिया गया हुआ है। तो इस वर्कबुक में मेरे पास टोटल 13 एक्सेल शीट है। शायद आपके पास इससे भी ज़्यादा वर्कशीट हो सकती है किसी भी एक वर्कबुक में। अब यहाँ पर दोस्तों मुझे बार बार इस वर्कबुक में इस समरी शीट को ओपन करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी जनवरी मंथ में हूँ लेकिन मुझे डेटा एनालिसिस करने के लिए समरी शीट में बार बार जाना पड़ता है। तो दोस्तों एक्सेल में हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसकी मदद से अगर मैं बुकमार्क सिलेक्ट करूँ तो बुकमार्क में जो भी लोकेशन है उस लोकेशन पर मैं इमीडिएटली पहुँच जाऊँ। तो हाँ दोस्तों आप एक्सेल में बुकमार्क लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर समरी शीट में हूँ जहाँ पर मुझे बार बार आने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पर इस समरी शीट के लिए मैं बुकमार्क लगाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर समरी शीट में जो यूनिक टैग्स मुझे मिला है वो है टोटल। तो दोस्तों इसी टैग्स का मैं यूज़ करूँगा बुकमार्क के लिए। तो फिलहाल मैं समरी शीट में हूँ और यहाँ पर मैं टोटल के सेल को सिलेक्ट कर लूँगा जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब मुझे दोस्तों बुकमार्क लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये जो बॉक्स देख रहे हैं उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर आपको सिंपली टाइप कर लेना है टोटल, यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। तो यहाँ पर बुकमार्क सेव हो चुका है जिसका नाम है टोटल। अब दोस्तों मैं यहाँ पर जनवरी शीट में जाऊँगा। अब मुझे यहाँ पर समरी शीट में जाना है तो सिंपली मैं यहाँ से टोटल को सिलेक्ट कर लूँगा। तो देखिए मैं इमीडिएटली जंप कर चुका हूँ समरी शीट में और मैं आ चुका हूँ समरी शीट के टोटल वाले सेल में। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर मई मंथ की एक्सेल शीट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं फिर से बुकमार्क सिलेक्ट कर लूँगा टोटल। तो देखिए फिर से मैं समरी शीट के ऊपर जंप कर चुका हूँ और मैं आ चुका हूँ टोटल वाले सेल में। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप एक्सेल में बुकमार्क लगा सकते हैं और दोस्तों अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।